हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज थी, तो हमने पिछली बार 2017 के देखे, तो आज हम देखेंगे 2018 के। अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो आप ये आई लिंक पर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो आप जो कि आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से 2018 के। तो ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अभी आर ट्रू बोला है, मतलब एक से ज्यादा ही रहेगा, इसलिए एक से ज्यादा ही ऑप्शन दिया है। देखो तो ठीक है। तो ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेड, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना है, तो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया आपको, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रहते हैं, जैसे ऑल हो गया, नन हो गया, एकदम जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रहते हैं, जहाँ चांसेस रहते हैं कि वो गलत होने के उसके, तो अगर वो उतना भी फाइंड आउट किया तो ऑलमोस्ट आपको, अगर 10 में से आपने इतना भी फाउंड आउट किया तो आई गेस 5 to 6 क्वेश्चंस तो आ जाएंगे। तो चांसेस वैसे बढ़ जाते हैं अगर पॉजिटिव स्कोर ज़्यादा आएगा, अगर ऑल नन वगैरह उस पर ज़्यादा ध्यान दिया तो। जैसे ये थर्ड स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है, आपको भले ही ये पता ना हो, पर आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम सभी लेवल पे तो नहीं रिकमेंड कर सकते। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा रहेगा वो डिस्पैच के बारे में, तो ये थर्ड अगर गलत कर देते तो ये हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर हो गया 1 and 2। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते। एक्चुअली जो ये वुड्स डिस्पैच है, एक्चुअली चार्ल्स वुड ने ये प्रिपेयर किया था पूरा 1854 में, एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कैसा होना चाहिए और स्प्रेड कैसा होना चाहिए एजुकेशन के बारे में। तो इसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का, ये भी एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके प्रोविजंस देखते हैं वुड्स डिस्पैच के। इट आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द मासेस, दस रिप्यूडिएटिंग द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब क्या, डाउनवर्ड फिल्ट्रेट हो रहा है मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, जो सेंटर रहेगा मतलब जो बड़े अथॉरिटीज है, मतलब जो नेशनल लेवल से ग्राउंड लेवल तक आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इट सिस्टमेटाइज द हायरार्की फ्रॉम वर्नैक्युलर प्राइमरी स्कूल्स इन विलेज एट द बॉटम, फॉलोड बाय एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल्स एंड एन एफिलिएटेड कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। एक्चुअली एक हायरार्की उन्होंने सेट की कि वर्नैक्युलर रहना चाहिए पहले तो प्राइमरी में, फिर जो थोड़ा सा ऊपर गया तो एंग्लो वर्नैक्युलर मतलब सेमी इंग्लिश बोल सकते हो हाई स्कूल में, फिर जैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्कूल लेवल पर कॉलेज लेवल पर जाएंगे तब थोड़ा सा इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे हमारा अभी फिलहाल का सिस्टम है। तो वैसे और ये जो तभी के टाइम में 1854 के अराउंड, तब ये पूरा कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास काफ़ी बड़े ये सेंटर्स हुआ करते थे। फिर बाद में इट रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड्स टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब प्राइवेट लोग भी इनको भी इनकरेज किया कि आप थोड़ा सा एड दीजिए, मतलब क्या थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही होता है ग्रांट इन एड वाला, जैसे हमने देखा था। और ये रिकमेंड किया था इंग्लिश मीडियम पर, ये हायर स्टडीज के लिए और वर्नेकुलर स्कूल लेवल, जैसे हमने देखा कि वर्नेकुलर जो है, वर्नेकुलर मतलब क्या, जो अपना बोली बोली भाषा रहेगी अपनी, जो भी हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी रहेगा, आप जिस भी जो भी बच्चा जिसमें पढ़ना अच्छा लगता रहेगा उस लैंग्वेज में, वर्नेकुलर जो लोकल लैंग्वेज रहेगी उसे वर्नेकुलर बोलते हैं। तो स्कूल लेवल पे वर्नेकुलर और हायर पे लेवल पे इंग्लिश रिकमेंड किया था, इसलिए मैंने बोला कि आपने जो ऑल देखा था आपने ऑल लेवल्स पे, तो ये ऑल लेवल पे नहीं है, सिर्फ हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश मीडियम रखा गया था। फिर द डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द थ्री प्रेसिडेंटी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अब जैसे कि इधर काफी बड़े सेंटर्स हो गए, तो इधर भी इन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने का रिकमेंडेशन दिया था। और द यूनिवर्सिटीज वर टू बी मॉडल्ड आफ्टर द लंडन यूनिवर्सिटी एंड दीज वर टू हैव सीनेट्स कंसिस्टिंग ऑफ चांसलर, वाइस चांसलर एंड फेलोज, ठीक है, ये नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब एक लंडन टाइप ही उन्होंने ये पूरा जो यूनिवर्सिटी सेटअप किया था उसके हिसाब से ये रखा था। जैसे पहले प्रिंसिपल रहेगा, फिर वाइस प्रिंसिपल रहेगा, वैसे इधर चांसलर रहेगा पहले, फिर वाइस चांसलर, और फिर इसे नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नमेंट जो उधर की रहेगी, जैसे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें क्या दिया है, एक इंस्टीट्यूशन दिया है और उसके फाउंडर का नाम लिखा है। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी इंस्टीट्यूशन रहेगा। अभी हमने पिछले इसमें देखा कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में ज्यादातर थे, तो उसके उसके अंडर ही देखा जाए तो उसके अराउंड ही एक सवाल घूमता है।
तो पहला इंस्टीट्यूशन है संस्कृत कॉलेज एट बनारस, जो इन्होंने फाउंड किया है विलियम जोन्स ने, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स और फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली। तो इसमें से कौन सा सही चूज करना है आपको, तो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो अभी ये आर्थर वेलेस्ली तो कभी नाम सुना ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसमैच होता है, आर्थर वेलेस्ली नहीं है ये, लॉर्ड वेलेस्ली हो सकता है। तो आर्थर वेलेस्ली तो कुछ का संबंध ही नहीं आता, तो थर्ड अगर गलत करते तो आंसर ये दोनों में रहेगा, और विलियम जोन्स नहीं है तो आंसर हो गया टू बी ओनली। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते। तो पहला जो था कलकत्ता मदरसा, वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, इन्होंने मिसमैच किया एक्चुअली देखा जाए तो, जो कि 1781 में सेटअप किया था, क्यू पर्शियन और अरेबिक लर्निंग के लिए, जो कि 1781 में ये दिखाया था। जोनाथन डंकन ओपन द संस्कृत कॉलेज एट बनारस, 1791 में जोनाथन डंकन ने ये कॉलेज फॉर्म किया था, क्योंकि लॉज, लिटरेचर, रिलीजन के लिए, इसलिए पहला पेयर करेक्ट इनकरेक्टली मैच होता है, 1791 में ये हुआ था। और बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ना कि आर्थर वेलेस्ली, सिर्फ इन्होंने इतना ही नाम चेंज किया, जो कि 1800 में किया था, और जो कि था ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन वर्नेकुलर लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, जो अभी जो सिविल सर्वेंट्स रहेंगे उनका ट्रेनिंग, जैसे अभी मसूरी में होता है उत्तराखंड में, तो अभी ये वैसा ही ट्रेनिंग फोर्ट विलियम कॉलेज में हो जाएगा तभी के टाइम 1800 में, इससे थर्ड भी वाला भी गलत हो जाता है, तो आंसर हो गया बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट, मतलब सबसे पहला इवेंट कौन सा था, स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश आर्य समाज, दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, और सत्येंद्रनाथ टागोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसमें से कौन सा सबसे पहले हुआ था, तो आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य इस्टेब्लिश किया था आर्य समाज, तो 1875 में हुआ था, और सत्येंद्रनाथ टैगोर भी 1860s में हुआ था कुछ, तो 1864 के अराउंड ही हुआ था। तो इससे पहले तो ये दो रहेगा चांसेस है, अपने को यही पता, ज़्यादातर ये ज़्यादातर पढ़ा पढ़ा रहता है ये दो, तो इसमें से तो पहले, इससे तो पहले हो जाएगा। अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, तो अभी भी थोड़ा उससे भी पहले मुझे लगता है दीनबंधु मित्र ही रहेगा, अभी 50-50 पे आ गए तो आप चांस ले सकते हो, तो एक मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो आंसर सही है वो तो दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण है, अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी जो नील दर्पण है वो 1860 मतलब 1858 और 59 के अराउंड ही बनाया गया था दीनबंधु मित्र, और जो आर्य समाज है वो 1875, आनंद मठ जो है 1882, ये तो काफ़ी लंबा गया था, और सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864, जो पहले इंडियन बन गए थे सिविल सर्वेंट क्रैक करने में। आई गेस उनकी उम्र कुछ तो 23 या 22 ही थी तब, और ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थे तब ये लंदन में होने के, और ग्रीक और लैटिन भाषा में देना चाह मतलब देने का ये इनका क्राइटेरिया था, ग्रीक और लैटिन रहेगा एग्जाम, और इंग्लिश में देना था ये एग्जाम, काफ़ी टफ माना जाता था तभी के टाइम पे, और एज लिमिट भी काफ़ी कम थी कुछ तो, पहले तो कुछ तो 24 या 25 ही थी, बाद में घटा के इस पर 21 किया था कुछ तो, ताकि कोई आए ना, इसलिए ऐसे किया था। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज किया था 1875 में बॉम्बे में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास एंड द वेदास आर सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, मतलब इनका मानना था कि जो वेदास है वो इनफेलिएबल है। इनफेलिएबल मतलब क्या, इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये जो है वो ट्रुथ है, और फिर से हम वेदास की तरफ जाना चाहिए, और ये पूरा वन गॉड में बिलीव करते हैं, जो इसके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और आर्य समाज एम्फोसाइज एजुकेशन फॉर गर्ल्स बट वॉज अगेंस्ट को एजुकेशन, मतलब एजुकेशन देना चाहिए गर्ल्स के लिए पर को एजुकेशन नहीं, को एजुकेशन मतलब क्या, बॉयज़ और गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकते। और इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट क्यों किया था, क्योंकि प्यूरीफाई करने के लिए, प्यूरीफाई किसके लिए, अगर कोई अभी पहले कैसे हो गया था, क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे तो कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियन में, जो भी हिंदूज वगैरह रहेंगे उसको कन्वर्ट करते, तो इनसे फिर से कन्वर्ट करने के लिए शुद्धि मूवमेंट किया था, या बोल सकते मास प्यूरिफिकेशन। और बाद में 1882 में इन्होंने आर्य समाज फाउंड किया था क्योंकि कॉ प्रोटेक्शन एसोसिएशन में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा, 1920 में किसने स्वराज्य सभा का नाम चेंज किया था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अभी अभी थोड़ा पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। अगर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ने किया रहता तो हमें पता चल जाता, तो ये तो नहीं है। अभी स्वराज्य सभा है, चांसेस कम है कि साउथ वाले कुछ कर सकते हैं ऐसा नाम, तो ये सी वाला भी गया। अभी हिंदू महासभा और ऑल इंडिया होम रूल लीग, तो जनरली अभी देखा जाए तो फिर से 50-50 पे आ गया था, ये हमने कभी कहा पढ़ा भी नहीं है, और काफ़ी डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अभी देखिए आप जो 2017
17 में थे, तो काफ़ी उसकी डिफ़िकल्टी लेवल और 2018 की डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब ये समझो अभी अगर स्केल अगर लिया जाए तो ये 30 पे रहेगा तो ये डायरेक्ट 60 या 70 पे आ जाता है स्केल। डिफ़िकल्टी लेवल हर साल बढ़ाई गई है ये देखो अभी। पर आपको देखिए अभी ऐसे ही करके आपको एलिमिनेट करके 50-50 पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो फिर बहुत काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, अटेम्प्ट काफ़ी कम हो जाएगा और काफ़ी स्कोर कम भी जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल इंडिया होम रूल लीग। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसा देखा जाए तो हम थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं, जो होम रूल मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था तो वही था सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वराज्य। तो तिलक ने स्टार्ट किया था 1916 में बेलगांव में, और वाइल एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था 1916 में ही अडियार मैड्रास में। तो तिलक का मूवमेंट सिर्फ महाराष्ट्र तक ही कन्फाइन था, मुंबई को छोड़ के वैसा देखा जाए तो, बाकी सब एरियाज उन्होंने कवर किया था महाराष्ट्र और कर्नाटका के। और जो एनी बेसेंट थे वो स्प्रेड था अदर पार्ट्स के, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक छोड़ के पूरे इंडिया में बाकी सब जगह वो फैला रहे थे। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो थी एंड किया था 1920 में, वेन इट इलेक्टेड महात्मा गांधी एज इट्स प्रेसिडेंट वेन इट मर्ज इन टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसे 1920 में NCM हो गया था, उसके पहले ही उन्होंने मर्ज किया था एक्चुअली ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने चेंज किया था नाम अपना स्वराज्य सभा तब। तो हिंदू महासभा देखते हैं। हिंदू महासभा इस्टेब्लिश किया था 1915 में टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के राइट्स को बचाने के लिए। और बाद में देखिए फोरम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था पुणे में महाराष्ट्र में, जो कि 1905 में था। और जो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है, जो कि जस्टिस पार्टी भी जाना जाता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी थी मद्रास प्रेसिडेंसी की, और जो इस्टेब्लिश किया था 1916 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा सा मैटर करता है। नतीसा मुदलियर डॉक्टर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, अभी इसमें से ब्रिटिश रूल जब हुआ था 19th सेंचुरी में, तो उसमें से कौन सा रिजल्ट बोला जा सकता है इकोनॉमिकली? तो इसमें क्या हो गया था, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, फिर ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। अगर आपको थोड़ा भी बहुत आइडिया नहीं है तो इसमें से जो जो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर निकाल लिया जाए ना तभी हो सकता है। अभी एक इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन, ये पॉजिटिव हो गया ऐसा माना जा सकता है, हमारे लिए पॉजिटिव, ऐसा नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो फिर बाद में ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये भी पॉजिटिव बोल रहे हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये थोड़ा बहुत आ सकता है, पर रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ये भी पॉजिटिव हो गया थोड़ा सा। तो ऐसा देखा जाए तो ये पॉजिटिव 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 हो रहा, और कमर्शलाइजेशन थोड़ा सा नेगेटिव कनोट कर रहा है। तो आंसर हो गया सी, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन मतलब क्या, कि जो एग्रीकल्चर है उसे कमर्शलाइज करना, मतलब क्या, जो भी क्रॉप्स उगाओगे आप तो मार्केट के लिए रहेगा, मतलब जो भी ज्यादा प्रॉफिट देने वाले क्रॉप्स रहेंगे वही उगाओगे। तो ऐसे था कमर्शलाइजेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते, जैसे कि रॉ मटेरियल्स जो था इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटेन में, तो वो यहाँ से ही जाता था। जैसे कि कमर्शियल क्रॉप्स कौन से थे, टी, कॉफी, इंडिगो, ओपियम, कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था डिफरेंट इंटेंशन से। ये सब बन के उधर जाते थे और प्यूरिफाई होकर अच्छा प्रोडक्ट बन के फिर से इंडिया में बेचा जाता था, ऐसे किया जाता था पूरा, मतलब एक्सपोर्टेशन था। इसके वजह से पूरा मतलब पूरा डाउनग्रेड हो गया था, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह पूरा एक्सपोर्टेशन कर रहे थे, क्योंकि इनका ही सब हैंडीक्राफ्ट सब खरीद रहे थे। इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट थे उनका पूरा डिस्ट्रक्शन पे ही था पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर द संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वाज और वर द मेजर और मेजर्स टेकन बाय द कलोनियल गवर्नमेंट। अभी जब संथल अपराइजिंग को ठंडा किया गया, बाबा ठीक है तुम ये मान लो, बाद में कमीशन भी बिठाया गया था, तो उसके बाद मेजर्स क्या लिए थे गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनाज वर क्रिएटेड, इट बिकेम इलीगल फॉर संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल। इसमें से कौन सा सही है ये पूछा है, तो पॉज कीजिए और कोशिश सॉल्व करने की। अभी थोड़ा सा जो जनरल स्टेटमेंट्स रहते हैं उसे थोड़ा सा हम जनरली राइट ही माना जाता है। अभी द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनाज वर क्रिएटेड, चांसेस है कि बाबा अभी जब अपराइजिंग हो गया तो इसे परगनाज में क्रिएट किया गया, क्योंकि इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं, कोई भी अपराइजिंग रहेगी तो आंसर ये ठीक है, हमने माना ये सही है। और इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल, एक्चुअली जगह तो संथल भी एक लैंड के अराउंड ही चल रहा था पूरा जो अपराइजिंग थी, तो लैंड भी इलीगली हो जाएगा वैसा देखा जाए तो नॉन संथल के, इसलिए सेकंड भी सही आंसर हो गया सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे हमने संथल रिवोल्ट भी देखा था पिछले आई गेस 2016 या 17 के वीडियोज में, 16 या 15 में, तो उसके बारे में भी अभी और थोड़ा डिटेल में करेंगे। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि
संताल जो है वो एग्रीकल्चर पीपल है जो सेटल हो गए थे राजमहल हिल्स के बिहार में, और ये नेटिव थे इंडियन स्टेट्स के कौन से, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। जब संताल रिवोल्ट हो गए थे 1855 और 56 में, तब संताल परगना क्रिएट किए गए थे कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम। ठीक है, एक संताल परगना क्रिएट किया गया था। फिर बाद में द कॉलोनियल स्टेट होप दैट बाय क्रिएटिंग अ न्यू टेरिटरी फॉर द संताल्स इम्पोजिंग सम स्पेशल लॉज विद इन इट संताल्स कुड बी कंसोलिडेटेड। इनका मानना यह था कि अगर हमने अभी सेपरेट परगना किया है, मतलब सेपरेट टेरिटरी किए, तो वही वही तक वो सीमित रहेंगे, और इसलिए अभी संताल को बोला गया कि किसी दूसरे को आप दे नहीं सकते लैंड। इट बिकेम इलीगल फॉर संताल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संताल, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड लॉज सो दैट द लैंड ऑफ ट्राइबल्स कुड नॉट बी टेकन बाय आउटसाइडर। मतलब क्या, अभी वही इलीगल होता है, दूसरा कोई आउटसाइडर रहा, समझे आउटसाइडर है तो इसको ये लैंड नहीं दे सकते, उसे डिक्कूज बोला जाता था। डिक्कूज मतलब आउटसाइडर ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, Sri Krishna and stayed in America for some time and also elected to the Central Assembly. He was, अभी ये कौन से व्यक्ति है, इतना सब किया, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, फिर अमेरिका में स्टे हो गया है और इवन सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट हो गए थे। तो अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो पॉज कीजिए कोशिश की सॉल्व करने की। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन जनरली स्किप होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर पता रहेगा तो ही मार्क करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाला लाजपत राय वॉज गिफ्टेड विद अ परसेप्टिव माइंड, ही वॉज प्रोलिफिक राइटर एंड ऑथर्ड सेवरल वर्क्स। इन्होंने काफी सारे काम किए, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए हमने। अभी इन्होंने क्या क्या काम किया है ये सब, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट अगर कोई भी हो गया, अगर समझो 2021 के प्रीलिम्स को भी काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट हो जाता है। फिर बाद में ये बायोग्राफी, जैसे कि क्वेश्चन में था गैरिबाल्डी, शिवाजी, इन्होंने पब्लिश की है। फिर एंड डोज ऑफ दयानंद एंड श्री कृष्ण इन 1898। फिर हिज पर्पज इन सिलेक्टिंग मैजिन एंड गैरिबाल्डी वॉज टू इन्फ्यूज पैट्रियोटिक सेंटीमेंट इन द यूथ ऑफ पंजाब हु हैड नो एक्सेस टू बुक्स इन इंग्लिश। मतलब क्या कि जो मैजिनी और गैरिबाल्डी थे तो उन्होंने पैट्रियोटिक सेंटीमेंट लाया, तो पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति की तो ज़्यादा भावना लाई थी उन्होंने तभी के इसमें, तो इसलिए उन्होंने ये यूज़ किया जो यूथ है पंजाब के उसके लिए। और ही वॉन्टेड इज कंट्रीमैन टू बिकम एक्वेंटेड विद द टीचिंग ऑफ इटालियन लीडर्स हु हैड सो इंप्रेस्ड हिज ओन, मतलब इटली का काफ़ी इम्पैक्ट था इनके ऊपर। फिर बाद में ही ट्रेवल टू यूएस इन 1907। फिर यूएस में गए वो, उन्होंने नोट किया कि वो सोशियोलॉजिकल सिमिलरिटीज है, जैसे कि कलर कास्ट में भी काफ़ी भेदभाव किया जाता था उधर भी और यहाँ भी। तो फिर बाद में इन्होंने स्वराज पार्टी ज्वाइन की 1926 में, इन्हें इलेक्ट किया गया था डेप्यूटी लीडर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और बाद में इन्होंने रिजाइन किया स्वराज पार्टी से 1926 में। ऐसे इतना डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो जो डार्क में किया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता बोला गया है, अभी यहाँ पे पूरा फोकस रहना चाहिए, अप्लाई नहीं होता मतलब कौन सा है वो छोड़ के। अभी टू मेंटेन अ लास्ट स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। अभी आपको थोड़ा भी याद रहेगा कि बाबा सब्सिडियरी अलायंस क्या होता क्या है, तो इस पर से आप आंसर लगा सकते हो। तो पहला तो था कि ये बरोबर है कि जो आर्मी रहेगी वो दूसरों के एक्सपेंस पे ही चलाएगी, मतलब खुद का पैसा नहीं डालेगा, उनके वो जो जो रहने वाले जैसे राजा रहेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारी आर्मी तुम ही संभालोगे, तो ये पहला सही है। इवन नेपोलियन का भी डेंजर था, नेपोलियन काफ़ी स्प्रेड होते हो गए थे और इधर तक आ गए थे ऑलमोस्ट रिवर इंडस तक आ गए थे, तो उनका भी डेंजर था, तो सेकंड भी सही है। फिर फिक्स्ड इनकम तो नहीं है, चांसेस कम है इसके। तो फिर बाद में था कि ब्रिटिश पैरामाउंसी, मतलब ब्रिटिश का राज दबदबा रहना चाहिए इंडियन स्टेट्स के ऊपर, इसलिए ये भी था। तो ये तीनों तो है, तो ये नहीं है, तो आंसर हो गया सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर इन शॉर्ट बताया जाए सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या, तो ये नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी मतलब क्या, कि अभी कोई समझो ये स्टेट है, स्टेट मतलब एक राजा का टेरिटरी है ये, तो इसे बोला जाएगा कि हम आपको आर्मी देंगे, आपकी पूरी रक्षा करेगी कोई भी अटैक किया तो, पर आपको सिर्फ उसका उनका खर्चा उठाना पड़ेगा और आप हमारे हमारे इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, हमारे जो भी अफेयर्स रहेंगे, और ना कि आप दूसरे इसको बोलेगे कि हमारी हेल्प करें, हम पूरी हमको आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया पहला। और बाद में फिर बोला जाता था यूरोपियन ने रिक्रूट करोगे, जो भी आर्मी रहेगी उसको यूरोपियन अदर देन यूरोपियन, मतलब जो ब्रिटिश छोड़ के कोई यूरोपियन नहीं आप अपॉइंट कर सकते, अगर आप वैसे कर रहे तो हम आपके ऊपर अटैक करके हम आपकी टेरिटरी ले लेंगे, इन शॉर्ट वैसे धमकाया जाता था।
फिर ये जो पूरा मेंटेनेंस है आर्मी वगैरह का, वो आपको ही देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट इनका पूरा जो जो ये था राज था, पूरा डिसइंटीग्रेट किया था एकदम स्टेप बाय स्टेप। उनको पता भी नहीं चला कि ये कब कैसे हो गया। तो इन शॉर्ट ये था पूरा सब्सिडरी अलायंस, वही सब लिखा है इधर। तो काउंटर थिंग ये नेपोलियन, फिर फ्रेंच पावर भी थे, इसलिए वेलेस्ली ने ये इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि फ्रेंच पावर काफ़ी डोमिनेट करने को देख रही थी, इसलिए ब्रिटिश सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये ऐसा सिस्टम अप्लाई किया था। टू एक्सेप्ट ब्रिटिश फॉर नेचर एंड ऑल्सो एग्री टू पे फॉर देयर मेंटेनेंस, द इंडियन रूलर एक्सेप्ट द ब्रिटिश रूल इन ई स्टेट और नॉट रिक्रूट एनी यूरोपियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा एस्टेब्लिश्ड इन 1948। अभी देखा जाए तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये थोड़ा सा आ जाता है, और ये काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें इलिमिनेशन थ्रू भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसमें से कौन सा लग रहा है आपको? अभी देखिए, हिंद मजदूर सभा है, हिंद है मजदूर सभा, चांसेस कम है कि जो भी साउथ वाले रहेंगे तो वो तो कम ही रहेंगे। पिल्लई ना नहीं हो सकता, जयप्रकाश नारायण भी नहीं हो सकता जैसे एम एन रॉय, अय्यर भी नहीं रह सकते, तो मेहता रामानुजम और जी जी मेहता ये हो सकता है। तो आंसर हो गया डी। ऐसे एलिमिनेशन थ्रू जा सकते हैं आपको, अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा एक काइंड ऑफ लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, तब आप थोड़ा सा आगे रह सकते हो, या फिर पॉजिटिव या फिर सेफ साइड में रह सकते हो। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो हिंद मजदूर सभा थी वो फाउंड किया गया था 1948 में हावड़ा में बाय सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक फॉलोअर्स एंड इंडिपेंडेंट यूनियनिस्ट विच इंक्लूड, ये सब नेम है उसमें। जो जी जी मेहता थे, आर एस रुईकर और अशोक मेहता जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, और जो रुईकर थे वो प्रेसिडेंट थे। बाकी आप नाम पढ़ लीजिए, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मेन मेन जो पर्सनैलिटी है वही याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, इसमें से कौन सा मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये चंपारण सत्याग्रह का? चंपारण जो पहला गांधी जी ने किया था, फर्स्ट सत्याग्रह बोल सकते हो आप, जो तब 1917 में किया था, तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला गया है? तो पॉज कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, ये एक्चुअली 1920 में हो गया था, ये चांसेस कम ही है इसके। फिर बाद में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन नेशनल मूवमेंट, ठीक है मे बी हो सकता है। फिर ज्वाइनिंग ऑफ पेजन अंडरस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स, ये तो संबंध ही नहीं आता उसका, इसका कुछ ड्रास्टिक डिक्रीज हो जाएगा अगर कोई अभी सत्याग्रह कर रहे तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं है ना ही ये, तो आंसर ये दोनों में रह सकता है। और दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज का संबंध नहीं आता क्योंकि ये फार्मर्स के अराउंड ही घूम रहा था पूरा सत्याग्रह, तो इसलिए आंसर सी हो गया। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह था वो पूरा इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर था, जो कि था टिंकातिया सिस्टम। टिंकातिया मतलब क्या, जो अगर समझो 20 सेपरेट भाग किए समझो, मतलब डिवाइड किया लैंड को, और उसमें से 3/20 लैंड रहेगा फार्मर्स का, बाकी सब लैंड रहेगा ब्रिटिशर्स का, तो इसके ऊपर ही पूरा चल रहा था। और गांधी जी ने कन्विंस किया था कि ये बाबा ये जो सिस्टम है काफ़ी गलत है, और डिमांड था कि जो 25% कंपनसेशन देना चाहिए इनके जो फार्मर्स हैं उनके लिए। और ये पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी ने लिया था, और इसमें काफ़ी जो फार्मर्स थे जिसे पेजेंट बोला जाता है, पेजेंट अंडरस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप था, मतलब फार्मर्स काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पर इन्होंने इन्वॉल्व हो गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ द एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वर, अभी देखिए क्वेश्चन काफी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल, मतलब बंगाल से एक्सपोर्ट किया जाने वाला कौन से थे, छोटे ये बताया गया है। तो इसमें से कौन से थे जो कि 18th सेंचुरी में, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750s में, तो ये कौन से थे? तो पॉज कीजिए और कोशिश सॉल्व करने की। तो आपको अगर एक भी मालूम रहेगा ना, मतलब कौन सा, ये सॉल्ट पीटर, तो आंसर इधर ही हो जाएगा। सॉल्ट पीटर काफ़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बंगाल से, हमारे पास ना जिंक था, जिंक ठीक है था पर इतना नहीं था, जिंक इतना एक्सपोर्ट करने लायक तो नहीं था। गोल्ड स्पाइसेस टी कॉपर, कॉपर भी काफ़ी कम था तो ये भी नहीं होता। तो आंसर हो गया कॉटन सिल्क सॉल्ट पीटर और ओपियम। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओपियम जो था वो चाइना के मार्केट लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि चाइना काफ़ी खरीदता था तब, बंगाल से जाता था ये,
और बंगाल में राइस, बटर, वेजिटेबल ऑयल्स और सॉल्ट पीटर भी थे। सॉल्ट पीटर एक अनदर स्टेपल एक्सपोर्ट था जो काफ़ी पटना डिस्ट्रिक्ट में किया जाता था, और कॉटन और सिल्क तो था ही वैसे भी। 2018 में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, अराउंड 11 या 12 क्वेश्चन थे। वैसे अगर देखा जाए तो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी थोड़ा सा ओवरलैप होते, थोड़ा सा ही ओवरलैप होते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो ये 2017 का है, 16 का है, या ये 2017 का है, तो आप देख लीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।